हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटा टेस्टी डिलीशियस नाश्ता ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है। और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में और ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। पैन मैंने गैस पर गर्म होने के रख दिया है और ऐड करेंगे एक चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटक चुका है, इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक चॉप किया हुआ है। मिक्स करेंगे और कुछ सेकेंड तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज हमें सिर्फ सॉफ्ट करनी है, हल्का सा प्याज में कच्चापन होना चाहिए। जब प्याज में हल्का कच्चापन होगा तब हम ब्रेड रोल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। मिक्स कर देंगे और अब हम इस ऐड करने वाले हैं कुछ सूखे मसाले। तो फ्लेम आप लो रखें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने बिल्कुल भी लाल नहीं किया है प्याज को, सॉफ्ट किया है। ऐड करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। और इसी के साथ ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। और अब हम सेम दाना ऐड करेंगे यानी मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली को रोस्ट करके और छिलका उतार दिया था, फिर उसको ऐड किया है। मिक्स करेंगे, अगर आपके पास हरी मटर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। दो आलूओं को बॉयल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो आलू को अच्छी तरह से मैश भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छी हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो सारा आलू मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिए। और अब हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग हमें 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए मसालों के साथ पका लेना है, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाए, जिससे कि हमारी स्टफिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, मुझे 3 से 4 मिनट का समय लग चुका है मिक्स करने में। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्रेशनेस के लिए हम ऐड करेंगे हरी धनिया की पत्तियाँ। तो मैंने हरी धनिया को वॉश करके बारीक चॉप कर लिया है, इससे हमारी स्टफिंग की बहुत ही अच्छी ताज़ी ताज़ी सी खुशबू आएगी धनिया की। तो सारी स्टफिंग के साथ हमने मिक्स कर दिया है धनिया को। और अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी फिर हम ब्रेड रोल बनाना शुरू करेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रेड रोल की स्लाइसेस। भाई ब्रेड रोल बना रहे हैं तो ब्रेड होना तो बहुत ही ज़रूरी है। ब्राउन वाला पार्ट मैंने कट करके निकाल दिया, इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्टफिंग। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसी के साथ मैंने लिया हुआ है पानी, क्योंकि ब्रेड को हमें पानी में डिप करना है। तो हम अब उठाएँगे एक ब्रेड और पानी में डिप करेंगे। हम एक तरफ डिप करेंगे, दोनों तरफ डिप नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक तरफ मैंने पानी में डिप किया है ब्रेड को और अपनी हथेली में रख करके और दबा देंगे, जिससे कि ब्रेड के अंदर जो भी पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो बाहर हो जाएगा और ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम उसको अपने हाथ में बीचों बीच में रख लेंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। ऐड करेंगे एक चम्मच स्टफिंग। बीचों बीच में हमें स्टफिंग को ऐड करना है। और अब हम इसको अपनी उंगलियों की सहायता से अच्छे से सेट कर देंगे और फिर ब्रेड को गोल करके मोड़ देंगे, जिससे कि चिपक जाएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से दबा देंगे पीछे की तरफ और दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर देंगे, जिससे कि खोलेगा नहीं ब्रेड और अच्छे से कवर हो जाएगा। दोनों तरफ हमने अच्छे से कवर कर दिया और अब अपने हाथ में रख करके गोल गोल घुमा देंगे, जिससे कि अच्छे से स्टफिंग और ब्रेड सेट हो जाएगा और हमारा ब्रेड रोल बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रेड रोल बन गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसी प्रोसेस से बाकी ब्रेड रोल बना करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक बनाना है। अगर आप इधर उधर बिल्कुल हुए तो आपकी ब्रेड फट जाएगी और फिर स्टफिंग हमारी बाहर हो जाएगी। तो आप इसे आराम से सावधानीपूर्वक अच्छे से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सारी ब्रेड रोल जो है बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। ऐड करेंगे ब्रेड रोल। बाकी ब्रेड रोल को हम ऑयल में ऐड करेंगे। आप जितना ब्रेड रोल एक बार में फ्राई करना चाहते हैं आप उतना ऐड कीजिए। और कलछी से पलट पलट करके हम ब्रेड रोल को 4 से 5 मिनट में फ्राई कर लेंगे।
अगर हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं और उसे पलटते नहीं हैं, ऑयल में डाल करके छोड़ देते हैं, तो फिर एक तरफ कलर ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कम भी हो जाता है। तो इसीलिए हम जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो उसे पलट पलट करके कंटिन्यू फ्राई करें। तो जैसे ही ब्रेड रोल का कलर चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लाइट ब्राउन कलर का कलर हो चुका है, बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। कलछी को थोड़ी देर हम ऑयल में रोक करके रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही निकल जाए, और फिर हम आराम से किचन पेपर या फिर टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। बाकी हम जो है ब्रेड रोल को फ्राई कर लेंगे, जो बचे हुए हैं उनको भी। सारा ब्रेड रोल फ्राई होकर के तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है। गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।